प्रेज़ द लॉर्ड, वेलकम बैक। आप सबका फिर से स्वागत है RVM के चर्च पर। और हम आप लोग बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं, सो हम विश्वास करते हैं कि आप सब लोग अपना घर में ठीक है और सब लोग बहुत अच्छा कर रहा है। सो आज हम लोग फिर से जीसस के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। आज फिर से हम लोग जीसस के बारे में जानने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का, क्योंकि बहुत मजा है। ओके, आप एंड तक देखो तभी समझ में आएगा दीदी क्या कहना चाहते हैं। ओके, क्यों बोल रहे हैं इंटरेस्टिंग होगा, मजा होगा। ओके, एंड तक देखो। पहले उससे पहले वी विल थैंक द लॉर्ड, ओके, फॉर दिस डे। वी विल जीसस को हम लोग थैंक यू बोलेगा और जीसस को हम लोग बोलेगा, जीसस प्लीज हेल्प अस, कि आज जो हम लोग सीखने वाला है ना, मदद करो कि मैं उसे समझ पाओ। ओके, समझ पाओ, उसके लिए हम लोग जीसस की प्रार्थना करेंगे, ठीक है। सो एवरीबॉडी क्लोज योर आईज, अपने सब आंखें बंद करो एंड वी विल प्रे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच फादर। प्रभु हम सबको मदद करो लॉर्ड, जो आज आप हमें बताने वाले हो प्रभु, हम सब उसे सीखे और समझे प्रभु, और इस बात को जो आप हमें बताने वाले हो उसे हम काम भी करें, उसे कार्य भी करें प्रभु। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हमारे विश्वास को पूरा बनाना लॉर्ड जीसस। थैंक यू सो मच जीसस, इन जीसस नेम वी प्रे, Amen, Hallelujah, Praise the Lord। प्रार्थना करके कैसा लगा? मुझे तो बहुत मजा लगा। पता नहीं आपको कैसा लगा प्रार्थना करके, पर मुझे तो बहुत अच्छा लगा प्रार्थना करके। So, आज ना आज का संडे स्कूल का सर्विस हम आप लोग का एक क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के साथ हम आप लोग से स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड माई क्वेश्चन इज, डू यू बिलीव इन पावर? क्या आप सब लोग पावर पर विश्वास करते हो? और आप में से कोई कोई लोगों क्वेश्चन सुन के ऐसा हो रहा होगा, पावर, यस हम लोग विश्वास करते हैं, यस हम लोग विश्वास करते हैं। जैसे आयरन मैन जो जाके पूरा अपना हाथ से पूरा पावर निकल के एनिमीज को डिस्ट्रॉय कर देता है, हम उस पर विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं, यस हम पावर पर विश्वास करते हैं। हल्क जो पूरा थप 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 करके वो जो अपना एनिमीज को मारता है, कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग है हल्क। शायद आप लोग सोच रहे हो, यस दीदी आप सही क्वेश्चन पूछा है, हम लोग विश्वास करते हैं हल्क के पावर में, आयरन मैन के, सुपरमैन के, वंडर वुमन के पावर में हम लोग विश्वास करते हैं। बट मैं आज इस क्वेश्चन को नहीं पूछ रही होगी, उससे भी ज़्यादा ग्रेटर वाला क्वेश्चन मेरा पास आपके लिए। क्या आप विश्वास करते हो कि जीसस हमें पावर देता है? अंदर से बताओ, आप सिर्फ ऐसे हाथ मुँह मत हिलाओ, बस सच्ची में बताओ, डू यू बिलीव? Well, किसी का क्वेश्चन होता होगा, यस आई बिलीव दैट जीसस हमें पावर देता है, क्योंकि अगर आपने हमारा पूरा लास्ट वीडियोस को देखा है और समझा है तो आपको पता होगा, यस। अगर नहीं देन आज के सर्विस के बाद आपको पता हो चल जाएगा, यस आई हैव पावर। ओके, सो वी विल गो टू दिस टॉपिक आफ्टर। थोड़ा से हम लोग उस टॉपिक्स में जाने से पहले वी विल डांस, ओके, हम लोग डांस करेंगे गॉड के प्रेजेंस में। हम लोग क्या कह सकते हैं, रिजॉइसिंग के साथ, डांसिंग के साथ, ओके, हम लोग गॉड के प्रेजेंस में जाएंगे। और वेल यू आर डांसिंग, और जब आप यहाँ पर किसी को डांस करते हुए देख रहे हो, आपको भी डांस करना है खुद, ओके। एंड डांस करते करते आपको भी सोचना है, यस लॉर्ड दीदी आज जो बता रहे हैं ना, मुझसे बातें करो, ओके। सो विद दिस वी विल गो टू डांस। जोशुआ ने जेरिको के लोगों को कैसे मारा? जोशुआ ने जेरिको के लोगों को कैसे मारा? को हम के
रे। जीवन में निराशा को हम कैसे मारे, यीशु के नाम को ऊंचा उठा के, ऊंचा उठा के मारे। यीशु के नाम को ऊंचा उठा के, ऊंचा उठा के मारे। यीशु ने शैतान को कैसे हराया, यीशु ने शैतान को कैसे हराया। सर को कुचल के, कुचल कुचल के, कुचल कुचल के मारा। सर को कुचल के, कुचल कुचल के, कुचल कुचल के मारा। Praise the Lord. So, क्या आप सब ने डांस किया है? Amen. God bless you and God will surely reward you. Okay? आपका God इसके लिए जरूर इनाम देगा, ठीक है? इनाम देगा क्योंकि आपने जीसस के लिए डांस किया अपना दिल को, ठीक है? जब हम ऐसे करते हैं, हम जब हम यीशु के लिए डांस कर रहे होते हैं, प्रेस कर रहे होते हैं, हम क्या करते हैं जानते हो? हम यीशु को अपना दिल दे रहे होते हैं, okay? और हम लोग यीशु के और करीब आ रहे होते, ठीक है? So, and वो हम लोग क्या टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे? Yes, पावर के बारे में। So, आप में से कोई को पूछ सकता है, दीदी क्या सच्ची में जीसस क्राइस्ट हम लोग को पावर दे सकता है हमें, हमारा एनिमीज को हमें मारने के लिए? अगर कुछ संकट आ रहा है तो, अगर आई एम वीक, अगर मैं बस शक्ति नहीं है, क्या गॉड हमको पावर दे सकते हैं कि हम अपना वो दुश्मन लोगों को हरा दे? Well, then my answer is yes. Okay. फिर आप में से कोई कह सकते हो how? So let me show you, okay? Through the Bible. Okay, हम आपको बाइबल में बताएगा, okay? जब एक इंसान है उसके सामने में enemies, उसके भी enemies आ रहे हैं, but the Bible says कि उसके ऊपर Holy Spirit आ गया, समझ गया? God उसके ऊपर आ गया और उसके power के through उन्होंने उनके हर दुश्मन को मार दिया, बाइबल कहता है। ओके, सो आई बिलीव कि आप सबके पास आपके पास बाइबल आपके पास है। सो एवरीबॉडी ओपन जजेस चैप्टर 14 वर्स 5 6 सॉरी यस 5 एंड 6। ओके एवरीबॉडी ओपन द वर्स क्विक, वी विल रीड दिस वर्स। ओके, सो वी विल सी कि गॉड ने किसको पावर दिया और उन्होंने उस पावर के साथ क्या किया। सो व्हाट वाज द वर्स? जजेस चैप्टर 14 वर्स 5 एंड 6। सो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो सैमसन, यहाँ पर लिखा है, 5 में लिखा है, सो सैमसन वेंट डाउन टू तिम्ना विथ हिज फादर एंड मदर एंड केम टू द बैनियर्स ऑफ तिम्ना। ओके, एंड फिर आगे लिखता है, Now to his surprise, a young lion came roaring against him. उसके ने क्या लिखा है? Six में लिखा है, and the spirit of the Lord came mightily upon him, and he tore the lion apart as one will have torn apart a young goat. He had nothing in his hand, but he did not tell his father or his mother what he had done. So, हम लोग क्या पढ़ता है? Yes, हम लोग क्या पढ़ा है? सबसे पहले क्या? जिस या हम लोग यहाँ पर किसके बारे में पढ़ रहे हैं? Samson के बारे में, okay? When you will read the Bible, आपको पता चलेगा कि Samson was the mightiest man. वो बहुत powerful था, बहुत strong. Hulk से भी ज़्यादा strong था, okay? He was so strong. तो Bible में क्या लिखा है? That Samson जो एक बार कहा जा रहा था तिम्ना बोल के एक जगह आया, ठीक है? तो वहाँ पर वो अपने मम्मी पापा के साथ जा रहा था, एंड अचानक से उसको सरप्राइज में क्या हुआ? अचानक से उसके सामने एक लाइन आ गया, बहुत डरावना लाइन, okay? बहुत डरावना लाइन उसके सामने आ गया, कहता है, और उसको हमला करने के लिए कर रहा था सैमसन को, okay? सैमसन को वो लाइन जो हमला करने के लिए कर रहा था, एंड फिर क्या हुआ? Yes, you have read, ना? आपने पढ़ा ना क्या हुआ? सैमसन जो उसको ऐसा फाड़ दिया बोलता है, लेकिन उससे उसको मारने से पहले सैमसन के ऊपर में कौन आया? Yes, बाइबल बोलता है, एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, Spirit of the Lord, कौन? Holy Spirit, yes. When he came upon
सैमसन जब होली स्पिरिट उसके ऊपर आया ना, जब होली स्पिरिट उसके ऊपर में आया, क्या हुआ कि उसने लायन को दो पार्ट में दो पाल कर दिया ले, समझ रहा है? मतलब उसको आधा आधा कर दिया, समझ में आ रहा है? ऐसा कर दिया जैसे कि एक यहाँ पे एक एग्जांपल देके रखे गॉड की तरह, मतलब बकरी जैसे आराम से, बकरी को तो आराम से कर, बट लायन वाव इट विल बी सो हार्ड ना, पर लायन को उसने पूरा फाड़ दिया, बोलते मुंह के उसको ऐसे, ओके सो और ऐसे कैसे हुआ? यस, जब उसके पास पावर आया, किसके पावर? होली स्पिरिट। सो किसी किसी को क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, आई बिलीव, एंड अगर अभी तक नहीं मिला ना, लेट्स गो टू अनदर वर्स, एंड यहाँ पर भी सैमसन के बारे में है, ओके, एंड नाउ सैमसन के बारे में हम लोग इसको वर्स चैप्टर 15 में पढ़ते हैं, चैप्टर 15 के हम लोग इसे पढ़ते हैं, 14 एंड 15 में पढ़ते हैं, हम आपको जल्दी से पढ़ देगा बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, ओके। सो यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन ही केम टू लेही द फिलिस्टाइंस केम शाउटिंग अगेंस्ट हिम, एंड क्या बोला है, देन द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड केम माइटली अपॉन हिम, एंड क्या बोला, एंड द रोब्स दैट वर ऑन हिज आर्म्स बिकेम लाइक फ्लेक्स दैट इज बर्नड विद फायर, एंड हिज बोन्स ब्रोक लूज फ्रॉम हिज हैंड्स, ही फाउंड अ फ्रेश bone of a donkey, reached out his hand and took it and killed 1,000 men with it. So यहाँ पर जो story में है, यहाँ पर क्या क्या हुआ जानते हो? जब एक बार क्या हुआ, Samson के जो enemies थे ना, उसे पूरा बांध के उसे कहीं ले जा रहे थे, ठीक है, उसे ले जा रहे थे, Samson को मारने के लिए ले जा रहे थे, और वो समय में Samson क्या कहता है बाइबल की, बाइबल ऐसे करते हैं, वो समय में Samson को जब उन लोग बांध के बहुत टाइट से बांध के लेके जा रहा था, ओके, बहुत टाइट से, तो Samson के साथ क्या हुआ, Samson को पूरा उसका दुश्मन लोग, और बहुत सारा दुश्मन था वो समय उसका, उसको पूरा बांध के ले जा रहा था, तो Samson को, Samson के पास फिर क्या लिखता है बाइबल की वो समय में, इस लाइन में फोकस करो, क्या लिखा है, देन द स्पिरिट ऑफ द वर्स 14 के सेकेंड लाइन में लिखा है, देन द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड केम माइटली अपॉन हिम, फिर से क्या बोला है, फिर से जो स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, कौन? यस, होली स्पिरिट, यहाँ पर जो स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड किसको बता रहा है, होली स्पिरिट को, ओके, जब वो उसके सैमसन के ऊपर आया, क्या लिखा है, यस, उसने उस सबसे पहले तो उसका ये जो रस्सी लोग, वो लोग पूरा जल गया बोलता है, समझे, एक आग में जैसा होता है जैसे जल गया बोला है, और पूरा वो रस्सी लोग जल गया उसका, उसने तोड़ के उसने वो सारे वहाँ पर, फिर बाइबल क्या लेते हैं, वो जो बस एक सेम बस क्या किया, एक एक क्या लेते हैं, एक डोंकी का क्या लेता है, यहाँ पर बाइबल में लिखा गया है जो बोन होते हैं, ओके, बोन्स होते हैं डोंकी का, उसको लेके उसने पूरे इंसान, पूरे एनिमीज, उसके जितने भी एनिमीज थे उन सबको सैमसन ने मार डाला, ओके, सबको सैमसन ने उस बोन के वहाँ से मार डाला। और मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ, क्या ये जेम्स सैमसन का पावर था या फिर किसका पावर था? यस, वेरी गुड, किसी किसी ने आंसर किया है, यस, दिस वाज द पावर ऑफ द लॉर्ड, पावर ऑफ द गॉड, क्योंकि सैमसन के पास इतना पावर नहीं था, ओके, कि वो ऐसा कर पाए, लेकिन बाइबल क्या कहते हैं, जब होली स्पिरिट उसके ऊपर आया, पवित्र आत्मा आया, तो उसने उसके पावर सबको मार डाला, हर एनिमीज, उस लायन की तरह, लायन को, उसके बाद में उस बाइबल भी ऐसा भी कहता है कि उसके पास कुछ हथियार नहीं था जब वो लायन को मारा था, बस उसने गॉड के पावर के थ्रू उसने उसे मार डाला, ओके, सो हम विश्वास करता है, वी विल टॉक अबाउट दिस मोर, ओके, बट बिकॉज ऑफ टाइम, ओके, सो हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे, बी एक्साइटेड माई चिल्ड्रन, और एक्साइटेड रहो कि गॉड के वर्ड के लिए, गॉड के वचन के लिए, सो वी विल गो टू आवर डांस एंड देन वी विल टॉक about it more and more. So let's go. Sach bolna jhoot bolna tere haath mein hai, acha banna bura banna tere haath mein hai, sach bolna jhoot bolna tere haath mein hai, acha banna bura banna tere haath mein hai, par yaad rakh Yeshu jaldi judge karne aayega, aur tab tujhe koi chance nahi mil payega, par yaad rakh Yeshu jaldi judge karne aayega, aur tab tujhe koi chance nahi mil payega, to chun le, chun le, chun le, chun le.
को चुन ले, आज ही चुन ले, यीशु को चुन ले, आज ही चुन ले। आज गलती करके कल रो के क्या फायदा, काले पीले टाइम वेस्ट करके क्या फायदा, आज गलती करके कल रो के क्या फायदा, काले पीले टाइम वेस्ट करके क्या फायदा। यीशु के साथ तुम बॉन स्ट्रॉन्ग कर ले, उसके ही वचनों पे लाइफ तू बना ले। यीशु के साथ तुम बॉन स्ट्रॉन्ग कर ले, उसके ही वचनों पे लाइफ तू बना ले। तो चुन ले, चुन ले, चुन ले, चुन ले, तो चुन ले, चुन ले, चुन ले, चुन ले, चुन ले, यीशु को चुन ले, आज ही चुन ले, यीशु को चुन ले, आज ही चुन ले। आई बिलीव कि आप सब ने डांस किया है, एंड हम ये भी विश्वास करते हैं कि जो हम आप लोग को बता रहा था उससे आपने आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ओके, सो हम लोग किसके बारे में जान रहे थे? सैमसन। यस, वी केम टू नो कि सैमसन कितना पावरफुल हो गया था जब होली स्पिरिट उसके ऊपर आया था। ओके, होली स्पिरिट जब उसके ऊपर में आया था, वो सैमसन कितना पावरफुल हो गया था। Am I right? Okay, and do you know what? इसके बारे में और भी बहुत कुछ है जो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ टाइम आई कैन नॉट। ओके, हम इसको नहीं बता पाएगा, लेकिन एक वर्ष हो गए। डू यू नो व्हाट, जैसे वो सैमसन जो अपना एनिमीज को मार पाया था ना, ओके, वही सेम पावर यू एंड आई ऑल्सो हैव। ओके, वही सेम पावर आपके पास और मेरे पास है। ओके, now you will be thinking, how can I kill lion like Samson, and then how can I kill my enemies like Samson? I'm Samson ka jaise kaise maar payega, I'm just a small kid. Aap aise ho sakta hoga, wow, hum to ek mamooli sa bachcha hai, hum kaise itna powerful ban sakte hain? If you're thinking like that, you're wrong, because do you know what, aapke andar mein bahut special, bahut khaas cheez hai, कोई रहता है, ठीक है, बहुत स्पेशल से कोई आपके अंदर में रहता है। ओके, जो आपको बहुत पावरफुल, वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना लेता है। सो वी विल रीड दिस। आप सोच रहे हो कैसे दीदी? आई विल गिव दिस एबिडियंस थ्रू द एक्स। चलो हम लोग अभी पढ़ेंगे न्यू टेस्टामेंट में। न्यू टेस्टामेंट में आप सब लोग आ जाओ, एक्स एक्स द बुक्स ऑफ एक्स का चैप्टर 1 verse 8 में हम लोग पढ़ते हैं। This is very interesting. So quickly children, सब लोग अपना Bible verse निकलो। Acts chapter 1 verse 8. So यहाँ पर क्या लिखा है? But you shall receive power. क्या बोले? When the Holy Spirit has come upon you. उसके बाद में क्या बोले? And you will be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. क्या लिखा है? हिंदी में बोलते हैं, और तुम्हें पावर मिलेगा, शक्ति मिलेगा बोलते, जब तुम्हारे पास पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। ओके, तुम्हारे ऊपर आएगा कहता है बाइबल वर्स। वाओ, दैट मींस और आप में से हो सकते हैं, रियली दीदी? Let me tell you, our God is not a liar to lie, okay? वो कोई झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। Our God cannot lie. Or this is the word spoken by God, okay? That we shall receive power when we shall have the Holy Spirit, okay? जब हम लोग Holy Spirit को अपने ऊपर ग्रहण करेंगे, हमें power मिलेगा, कहता है Bible verse. Okay? So my question, my last question, मेरा सबसे पहला question था, Do you believe in powers? Now I'm asking you. अभी हम आप लोगों को second question पूछ रहा है, क्या आप लोगों के पास power है? I have. I don't know about you, but I have the powers. मेरे पास तो है power.
Say with me, who believes, जो विश्वास करते कि मेरे पास पावर, मेरे अंदर पावर रहता है, बोलो, I have the power. Amen, amen. Why? Because we all have the Holy Spirit, okay? We have the Holy Spirit. Who is the source? कौन हमें ये power देता है? Holy Spirit. And अगर हमारे अंदर Holy Spirit, that means we have power. Very good. Do you know what, children? मेरे पास हम आपको बहुत कुछ बताना था, लेकिन because of time, I cannot tell or बस यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ, बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा है. एंड हमें लगता है इसका हमें पार्ट टू भी करने वाले हैं, और हम लोग पार्ट टू में इसका फिर से और ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे. ओके, टिल देन वी विल मीट यू नेक्स्ट संडे. एंड आप अगर इससे ब्लेस्ड हुआ है इस सर्विस से, प्लीज़ टू शेयर. आप इसे अब भी शेयर करो अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली लोग से, जो भी जीसस के साथ बारे में नहीं जानते. कम ऑन, शेयर टू एवरीबॉडी. ओके, हर किसी को जीसस के बारे में जानना है. सो एंड टू द पेरेंट्स हु आर वॉचिंग अस, इफ यू वांट टू गिव टू आवर संडे स्कूल, इफ यू वांट टू गिव टू आवर डोनेट टू आवर किड्स आरबीएम किड्स मिनिस्ट्री, यू कैन. आप लोग को यहाँ पर लिंक दिया जाएगा, आप लोग वहाँ पर दे सकते हो, हमारा पूरा डिटेल्स आपको दिया जाएगा, आप वहाँ दे सकते हो. इफ़ यू आर यू विलिंग टू डू देन यू कैन. अगर आप देना चाहते हो तो आप ज़रूर दे सकते हो. एंड थैंक यू सो मच हम सबको ज्वाइन करने के लिए. एंड वी विल मीट यू श्योरली नेक्स्ट संडे. एंड नेक्स्ट संडे में हम लोग इसकी और डीप जाने वाले हैं. सो डू नॉट मिस एंड कम इन द मॉर्निंग 8. ओके, सो विद दिस वी विल मीट यू नेक्स्ट संडे. गुड बाय.